आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की इस सीजन प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने इस आईपीएल में टोटल 7 मैच खेले हैं। इन 7 मैचों में से उनको 6 मैच में जीत मिली है और 1 मैच में उनको हार का सामना करना गिरा है। राजस्थान रॉयल पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पे है। तो वही बात करें मुंबई इंडियंस टीम की, तो मुंबई इंडियंस टीम ने भी अभी तक टोटल 7 मैच खेले हैं। इन 7 मैचों में से उनको 3 मैच में जीत मिली है और 4 मैचों में उनको हार का सामना करना गिरा है। मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल पे 6th स्थान पर है। तो आइए जानते हैं अभी पिच रिपोर्ट के बारे में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की पिच की बात करें तो इस पर उन गेंदबाजों को सफलता मिलती है जो गेंदबाजी में मिश्रण करना जानते हैं। पारी की आखिरी ओवर में धीमी गति की गेंद काफी कारगर साबित होती है और दूसरी पारी में उसके वजह से गेंद बल्ले पे बहुत अच्छे से आती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली पहली टीम गेंदबाजी करना पसंद करेगी। आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल ने अभी तक कुल 29 मैच खेले हैं। इन मैचों में से राजस्थान को 13 मैचों में जीत मिली है तो मुंबई इंडियंस ने 15 मैच जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है। तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन इस टीम के कप्तान हो गए और विकेट कीपर भी हो गए, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, रोमन पॉवल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेड बॉल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युगवेंद्र चहल हो गए। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम में रोहित शर्मा, ईशान किशन इस टीम के विकेट कीपर हो गए, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान हो गए, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, श्रेयस गोपाल, गेरार्ड कॉल्टीजी, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल हो गए। तो अब बात करते हैं ड्रीम 11 हेड टू हेड के बारे में। तो इस टीम में विकेट कीपर हो गए ईशान किशन, बल्लेबाज हो गए रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, जॉर्ज बटलर, रियान पराग, ऑलराउंडर हो गए टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड, गेंदबाजों की लिस्ट में हो गए ट्रेड बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, युगवेंद्र चहल और आवेश खान। तो दोस्तों इस टीम में मैं आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए दो चॉइस देता हूँ। तो कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी रोहित शर्मा और कैप्टनसी के लिए मेरी सेकंड चॉइस होगी जसप्रीत बुमराह। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी ईशान किशन और सेकंड चॉइस होगी संजू सैमसन। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ड्रीम 11 ग्रैंड लीग के बारे में। इस टीम में विकेट कीपर हो गए संजू सैमसन, ईशान किशन, बल्लेबाज हो गए रोहित शर्मा, सिमरन हेटमायर और तिलक वर्मा, ऑलराउंडर के लिस्ट में हो गए हार्दिक पांड्या और रोमन पॉवल, गेंदबाजों के लिस्ट में हो गए आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान और युगवेंद्र चहल हो गए। मैं आपको इस लीग के लिए भी दो कैप्टनसी और दो वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस देता हूँ। तो कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी जसप्रीत बुमराह और सेकेंड चॉइस होगी हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरी पहली चॉइस होगी ईशान किशन और सेकंड चॉइस होगी तिलक वर्मा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक नया वीडियो अपलोड करने के लिए एक नया मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। गुड बाय, जय हिंद।